गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। सो किड्स, टुडे इन जीके वी विल बी कंप्लीटिंग 3 न्यू चैप्टर्स। आज जीके में हम लोग 3 नया चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4, 8 एंड 9। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको ये सारे चैप्टर्स को अपने बुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में एकदम साफ साफ बुक में उसको फिल करना है और उसको लर्न करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4। नेम ऑफ द चैप्टर इज होम स्वीट होम। होम का मतलब क्या होता है? घर। तो प्यारा घर। मैनी ईयर्स अगो पीपल यूज टू लिव इन केव्स। बहुत पहले की बात है, जब अर्ली मैन जब थे तब लोग कहाँ, वो लोग कहाँ रहते थे, आदि मानव वो लोग केव्स में रहते थे, गुफा में रहते थे। बट नाउ दे बिल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स टू देयर कम्फर्ट। अब लोग अपने अपने सुविधा अनुसार, अपने अपने कम्फर्ट अनुसार, अपने अपने एरिया अनुसार अब अच्छा अच्छा घर बनाते हैं, ठीक है। There are some houses. Name them with the help of help box. आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ houses का picture दिया हुआ है, आपको help box के help से उनका नाम लिखना है। Okay? Now, first picture. पहला picture देखो, आप क्या observe कर रहे हो? एक boat है जो lake में या फिर जो भी water body है उसमें वो बह रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस बोट। ये एक तरह का घर है बोट में ही, जिसमें रूम्स हैं और क्या बोलते हैं, घर जैसा सब सुविधा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाउस बोट। HOUSE हाउस, BOAT बोट, हाउस बोट। ओके, सेकेंड पिक्चर देखो, नीचे पानी आपको दिख रहा होगा भरा, ऊपर एक ऊंचाई पे एक घर है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट हाउस, STILT SOUSE स्टिल्ट हाउस। ये हाउस जो है ऐसे जगहों पे बनाया जाता है जहाँ पे बार बार बाढ़ आता है या जंगली जानवरों से डर हो, ऐसे जगह पे ये घर बनाया जाता है ताकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सेफली रहें। ओके, थर्ड नंबर बंगलो। एक बड़ा सा बिल्डिंग आप देख सकते हो पिक्चर में, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, एक सुंदर सा घर है, बड़ा सा ह्यूज घर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंगलो, BUNGALOW। ये आप बड़े बड़े सिटीज़ में देखोगे, बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, रिच पर्सन, वो ऐसा बंगलो और विला में रहते हैं। ओके, फोर्थ नंबर देखो, आप क्या देख रहे हो उसमें, एक सूखा घास जो होता है जिसको हम भूसा बोलते हैं, उसे घर बना हुआ है और उसे उसका पूरा शेड है और नीचे बांस या लकड़ी से बनाया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, हट, HUT हट, जिसको हम हिंदी में झोपड़ी बोलते हैं। किसान लोग जो गांव में रहते हैं वो ऐसे घर में रहते हैं, या फिर उनका जो एनिमल्स होता है उसको ऐसे घर में वो रखते हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल करोगे तो रोड के किनारे देखोगे कि छोटे छोटे हट्स हैं जिसमें चाय पानी का व्यवस्था रहता है, जिसको हम ढाबा भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये ऐसे जगहों पर पाया जाता है। फिफ्थ पिक्चर किसका है, अपार्टमेंट का। अपार्टमेंट किसको बोलते हैं, बड़ी ऊंची बिल्डिंग हो जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह हो, दुकान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट, APARTMENT अपार्टमेंट। नेक्स्ट देखो, आप क्या देख रहे हो, एक गाड़ी देख रहे हो, ओके, लंबी गाड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरावन, CARAVANS का कारावेंस। ये एक्चुअली क्या होता है, ये मूविंग हाउस होता है, ये जो बस टाइप का है, इसमें ये घर जैसा होता है अंदर से, इसमें रूम्स वगैरह रहते हैं और ये मूव करते रहता है, ये आप इसमें रहोगे तो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हो, आपको फील होगा कि आप घर में ही हो। सेवेंथ पिक्चर है टेंट का, TENT टेंट। टेंट जो है वो परमानेंट हाउस नहीं होता, लोग कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ टेंट बना के रहते हैं, या फिर जो नोमैड्स रहते हैं वो खाली एरिया देके टेंट बना के कुछ दिन के लिए रहते हैं, या फिर कोई मेला वगैरह लगता है आपके शहर में तो देखोगे टेंट लगा लगा के उसमें सामान बेचते हैं, शादी पार्टी में जाओगे तो टेंट लगा के खाना जो होता है वो उसमें परोसा जाता है। तो टेंट आर नॉट अ परमानेंट हाउस, लेकिन इसको रहने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पिक्चर है इग्लू का, IGLLO, इग्लू।
इग्लू कहाँ होता है बेसिकली, ये जहाँ पे बहुत बर्फबारी होती है, बर्फ गिरता है, वहाँ पे इग्लू पाया जाता है, वहीं पे इग्लू लोग बना के उसमें रहते हैं। ओके, नाउ कम टू चैप्टर नंबर 8, इंडियन टूरिस्ट स्पॉट्स, मतलब भारत के जो घूमने वाले जगह हैं, टूरिस्ट प्लेस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इंडिया इज अ वास्ट एंड ब्यूटीफुल कंट्री, जो इंडिया है वो बहुत ही वास्ट का मतलब क्या होता है, बड़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर कंट्री है। इट्स ब्यूटी अट्रैक्ट्स द पीपल टू विजिट हियर, इसका जो सुंदरता है वो लोगों को अपनी की ओर खींचता है, आकर्षित करता है कि लोग आके देखें। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हियर टू सी इट्स ब्यूटी, पूरे दुनिया से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आते हैं इसके ब्यूटी को देखने के लिए। द पिक्चर ऑफ सम फेमस इंडियन टूरिस्ट स्पॉट्स आर गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ फेमस इंडियन टूरिस्ट स्पॉट्स का पिक्चर्स दिया हुआ है, आपको टिक करना है कि वो कौन से शहर में सिचुएटेड है। ओके, फर्स्ट पिक्चर देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है हवा महल, HAWA हवा, MAHAL महल, हवा महल, और ये इसका पिक्चर है। तो ये टूरिस्ट स्पॉट कौन से शहर में है ये बताना है हम लोग को। ऑप्शंस है जोधपुर एंड जयपुर, तो हवा महल जो है वो राजस्थान के जयपुर शहर में है, तो हम यहाँ पे जयपुर के आगे टिक लगाएंगे। ओके, तो हवा महल कहाँ है, जयपुर में है। नाउ नेक्स्ट, सन टेम्पल, SUN सन TEMPLE टेम्पल, ये सन टेम्पल का पिक्चर है, ये कौन से शहर में है ये हमें बताना है। और आपके ऑप्शन है कोणार्क एंड मैसूर, अब देखते हैं कि जो सन टेम्पल है वो कौन से शहर में है, तो वो कहाँ है, कोणार्क में, तो हम कोणार्क के आगे टिक करेंगे, सन टेम्पल कहाँ है, कोणार्क में। नेक्स्ट, चार मीनार, ये चार मीनार CHAR चार MINAR मीनार, चार मीनार है ये, मीनार का मतलब क्या होता है, मीनारट, देखो ये सब क्या है, जो लंबा लंबा टावर जैसा रहता है, इसमें चार है, इसको इसका नाम क्या पड़ा, चार मीनार। अब ये ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, कोलकाता या हैदराबाद, तो जो चार मीनार है वो कहाँ है, वो है हैदराबाद में, तो हम हैदराबाद के सामने टिक करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट क्या है, फतेहपुर सिकरी, FATEHPUR फतेहपुर सिकरी, SIKRI सिकरी, ये उसका पिक्चर है। और ऑप्शंस क्या है, बीजापुर आगरा, तो आंसर क्या है इसका, आगरा, तो आप आगरा के सामने टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट, लेक पैलेस, ये है लेक पैलेस का पिक्चर, ये कहाँ है, इसके ऑप्शंस दिए हुए उदयपुर एंड जयपुर, तो ये कहाँ है, ये उदयपुर में है, तो हम लोग उदयपुर के सामने टिक करेंगे। लेक पैलेस कहाँ है, उदयपुर में है। फतेहपुर सिकरी कहाँ है, आगरा में है। नेक्स्ट है हडिम्बा टेम्पल, HADIMBA हडिम्बा टेम्पल, TEMPLE टेम्पल, ये इसका पिक्चर है, ये कौन से शहर में है, ऑप्शन है मनाली एंड नैनीताल, तो ये है मनाली में, तो हम मनाली के सामने टिक करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, डल लेक, जिसको हम हिंदी में डल झील बोलते हैं, देखो यहाँ डल झील है, ये कहाँ है, शिमला या श्रीनगर में, तो ये है श्रीनगर में, तो हम श्रीनगर के सामने टिक करेंगे। 8 नंबर इज अजंता के, ये उसका पिक्चर है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चेन्नई औरंगाबाद, तो ये कहाँ है, औरंगाबाद में, तो हम औरंगाबाद के सामने टिक करेंगे। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला है, ये बिहार वाला औरंगाबाद नहीं है, ये महाराष्ट्र में है जनता के। ओके, 9th इज विवेकानंद मेमोरियल, ये कहाँ पे है, ये कहाँ सिचुएटेड है, ये कन्याकुमारी में है, तो हम इसको कन्याकुमारी के सामने टिक करेंगे। विवेकानंद मेमोरियल कहाँ है, कन्याकुमारी। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9,
ग्रेट इंडियन लीडर्स. इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड मेनी ग्रेट लीडर्स हु आर पॉपुलर वर्ल्ड वाइड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अ ह्यूमैनिटी एंड ग्रेट वर्क. जो हमारा भारत है इसमें बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं जो कि पूरे दुनिया में फेमस हैं. किस लिए फेमस है? अपने ह्यूमैनिटी और अच्छे काम के लिए, अपने बहुत बड़े बड़े कामों के लिए. ओके, गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया. राइट द नेम ऑफ दिस लीडर्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. आपको इन लीडर्स का नाम लिखना है हेल्प बॉक्स का हेल्प लेके. ओके, लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट पिक्चर जो आप देख रहे हो ये है भगत सिंह का, BHAGATSING, भगत सिंह. ये फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने देश के लिए फांसी पर चढ़कर अपना जान दे दिया था. ठीक है, सेकेंड पिक्चर है महात्मा गांधी का, MAHATMA, महात्मा गांधी, GANDHI, महात्मा गांधी. ये हमारे फादर ऑफ नेशन है. ओके, एंड ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर टू. नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस, SUBHAS, सुभाष चंद्र, CHANDRA, चंद्र बोस, BOSE, सुभाष चंद्र बोस. He was a great Indian leader who was founder of Indian National Army. ये Indian National Army के founder थे and he was a great leader. Fourth number, जवाहरलाल नेहरू, JAWAHAR, लाल नेहरू, NEHRU, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू. ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है. ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे. इनका जो बर्थडेट है उसको एज अ चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर. ओके, फिफ्थ नंबर रानी लक्ष्मीबाई, RANI, रानी लक्ष्मी, LAKSHMI, लक्ष्मीबाई, BAI बाय. रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही ज़्यादा ब्रेव लेडी थी जो अपने आखिरी सांस तक लड़ते रही ताकि झांसी जो है वो ब्रिटिश से फ्री रहे. वो अपने आखिरी सांस तक लड़ती रही. वुमेन होने के बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थी एंड शी वॉज अ ग्रेट इंडियन लीडर. सिक्स नंबर इज बाल गंगाधर तिलक. ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये ही वॉज अ ग्रेट लॉयर, टीचर, फ्रीडम फाइटर एंड अ ग्रेट लीडर टू. जो बाल गंगाधर तिलक है वो वकील भी थे, टीचर भी थे और एक बहुत ही ज़्यादा उम्दा लीडर थे जो इंडिया के आज़ादी के समय एक अच्छा सा एक वाइटल रोल प्ले किए थे. BAL, GANGA, गंगाधर, DHAR, धर तिलक, TILAK, तिलक, बाल गंगाधर तिलक. नेक्स्ट इज अरुणा अफजल अली. ये क्या बोलते हैं, ये शी वॉज अ, ये एक पब्लिशर थी और एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव लेडी थी जो इंडियन फ्लैग को होस्ट की थी मुंबई में. और शी वॉज अ ग्रेट इंडियन लीडर टू, जिसने बहुत ही ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था फ्रीडम के लिए. ओके, नेक्स्ट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, SARDAR, सरदार वल्लभ, BLABH, वल्लभ भाई, BHAI, भाई पटेल, PATEL, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल. ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन. ओके, डैट्स ऑल. आपको इसको फिल करना है और लर्न करना है. ये तीनों चैप्टर को आपको अच्छे से फिल करना है नीटली और इसको लर्न करना है. डैट्स ऑल. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.